नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों की, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणी की है असदुद्दीन ओवैसी ने। कहा है मुख्यमंत्री असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बार बार लैला को याद कर रहे हैं ओवैसी ने कहा है। जनसंख्या नीति पर भी ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। संभल में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर टीवी इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं, हमको ये बता दें कि रूरल उत्तर प्रदेश में जो शॉर्टफॉल है हेल्थ सब सेंटर्स का, क्या वो 40% नहीं है? रूरल उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक हेल्थ PHCs हैं वो 49% का शॉर्टेज है ही नहीं है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 53% का शॉर्टफॉल है और उस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 84% स्पेशलिस्ट नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि 22 नवंबर 2019 को लोकसभा में मोदी सरकार ने एक जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर पेशेंट का वर्स रेशियो है, पॉपुलेशन कंट्रोल के बजाय पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, पॉपुलेशन को पढ़ाने के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं करते, बच्चियों को पढ़ाने का इंतजाम नहीं करते, आप अस्पताल नहीं खोलते, अस्पताल अगर हैं तो डॉक्टर्स नहीं हैं। ये बात को साफ साबित होता है। तो जनसंख्या नीति पर भी ओवैसी ने एक तरह सवाल उठाया, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी एक विवादित टिप्पणी की है। संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं ये ओवैसी ने कहा है। मुख्यमंत्री बार बार लैला को याद कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण की नहीं बल्कि जनसंख्या को मजबूत करने की जरूरत है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको पढ़ाया कैसे जाए, उसको एजुकेट कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए, ये कहते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। हालांकि इस बीच वो विवादित टिप्पणी भी करते हुए दिखे सीएम योगी को लेकर। उन्होंने ये विवादित बयान दिया है, कहा है कि हर टीवी चैनल पर और हर बाइट में वो ये जरूर नहीं भूलते, हमेशा असदुद्दीन ओवैसी को याद करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये ओवैसी ने कहा है, साथ ही वो मजनू बन चुके हैं, लैला को बार बार याद कर रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आए। एक विवादित टिप्पणी यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने की है, कहा है कि मुख्यमंत्री असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बार बार लैला को याद कर रहे हैं ओवैसी ने कहा है। भाषा की मर्यादा को भूलते हुए ओवैसी नजर आए हैं, निशाना साध रहे थे, लेकिन इस बीच ये विवादित टिप्पणी कर बैठे। जनसंख्या नीति पर भी ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। संभल में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर टीवी इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद कर रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। हीरो वाजपेयी जी, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री बार बार लैला को याद कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के वो मजनू बन चुके हैं, हर टीवी इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी का नाम जरूर लेते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, जिस भाषा का प्रयोग ओवैसी साहब कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देश की प्रदेश की राजनीति में जो राजनीतिक भाषा है उसमें इस तरह के शब्दों को मुझे लगता है परहेज करना चाहिए। ना तो वो लैला है किसी की और ना ही आदरणीय योगीनाथ जी किसी को, वो तो चिर कुमारे व्यक्ति है। तो लैला और मजनू से उनका कोई लेना देना नहीं है। रही बात उनकी शब्दावली की, तो अपने को मीडिया में बनाए रखने के लिए ओवैसी साहब इस तरह के बिगड़े बोल बोलते हैं और जिसका उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं, यहाँ की जो जनता है, जो सामाजिक सौहार्द है, उसमें इस तरह के शब्दों का कोई जो भी है जगह नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के जो मतदाता है वो ओवैसी की इस भाषा का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ओवैसी की इस भाषा का आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा लगा हीरो वाजपेयी जी असदुद्दीन ओवैसी को सुनकर कि वो ये बताना चाहते हैं, खासतौर से बीजेपी को ये जतलाना चाहते हैं कि शायद बीजेपी डर गई है असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, लगातार दौरे कर रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनावों में भी वो लड़ेंगे और शायद डर गई, इसलिए बार बार मुख्यमंत्री उनका नाम लेते हैं।
नहीं नहीं देखिए, हमने तो उनकी चुनौती स्वीकार करी है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने उनकी चुनौती स्वीकार की है, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है बहुत समझदार है। ओवैसी की चुनौती का उन्हीं के अंदाज में बैलेट पेपर से अपने अपने वोट मशीन पे जवाब देगा और उन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो जाएगा। ठीक, हीरो वाजपेयी जी आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार आप वो बयान भी सुन लीजिए जो असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है जनसंख्या को लेकर भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर क्या विवादित टिप्पणी की है वो भी सुनिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं, हमको ये बता दें कि रूरल उत्तर प्रदेश में जो शॉर्टफॉल है हेल्थ सब सेंटर्स का, क्या वो 40% नहीं है? हीरो वाजपेयी जी, ये एक सवाल भी उठाया है असदुद्दीन ओवैसी ने और कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं। हालांकि जनसंख्या को लेकर मैं आगे आपसे सवाल करूंगी, लेकिन इस टिप्पणी के बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मेरे ख्याल से बहुत ही निम्न स्तरीय टिप्पणी है और इस टिप्पणी का भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं, केवल मतदाता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में ओवैसी की भाषा का, उनकी इस चुनौती का जवाब देगा अपने अपने मतदाताओं के बीच में जाकर। वो लोग, वो पार्टियां जो इस आपातकाल में न जनता के बीच में गई, न जनता के बीच में काम किया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या फिर ओवैसी जी हो, केवल आकर मतदाताओं के आगे वोट मांगना और एक संप्रदाय विशेष की राजनीति को बल देना और हल्के शब्दों का प्रयोग करना योगी जी के लिए, उनका उसी अंदाज में केवल जो हम जवाब देंगे चुनाव में और हमारे मतदाता, हमारे कार्यकर्ता उनकी इस चुनौती को स्वीकार करता और उत्तर प्रदेश में उनकी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देंगे और उन्हें भाषा की मर्यादा को कैसा रखना चाहिए उत्तर प्रदेश में उसको उन्हें पता लग जाएगा। वाजपेयी जी, क्योंकि इसके पहले भी बीजेपी के नेताओं के भी बयान सामने आए जिसमें लैला शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जो बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है वो थोड़ा मर्यादा को लांघता हुआ जरूर नजर आता है। हालांकि जनसंख्या को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया कि जनसंख्या अगर बढ़ती है तो इससे मजबूती मिलनी चाहिए, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो ये देखना चाहिए कि उस जनसंख्या को एजुकेशन कैसे मिले, हेल्थ सेक्टर में कैसे काम किए जाए, उसको छोड़कर जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना जरूरी नहीं है, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं, इतना बड़ा प्रदेश है साहब जी, और इस प्रदेश की जनसंख्या जो है विश्व का छठा देश है और ये जनसंख्या इसी रेशियो में बढ़ती रही, तो उनके सवाल में ही उनका जवाब छुपा है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, पानी, बिजली, इन सब की समस्या, उत्तर प्रदेश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उस पर जनसंख्या का अगर नियंत्रण होगा तो हमारी आम जनता को तमाम सुविधाएं मिलेंगी, जनसंख्या पर जो अनियंत्रण है, जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति खड़ी हो रही है उससे उत्तर प्रदेश विकास में पिछड़ेगा, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो विकास का लाभ नहीं ले सकेगी, इसलिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या पर नियंत्रण करना बल्कि हिंदुस्तान में जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। भारत संपूर्ण संसाधन वाला देश है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से हम विकासशील देशों में गिनती हो रही है, यदि हमने जनसंख्या पर नियंत्रण पा लिया तो हम विकसित देश की तरफ आगे बढ़ जाए। एक बात और हीरो वाजपेयी जी असदुद्दीन ओवैसी ने कही है, दो बातों का मैं जल्दी से आपसे जवाब लूंगी, वो ये कि इस जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने की बजाय मजबूती देनी चाहिए जनसंख्या को, ये उन्होंने कहा, लेकिन अगर नियंत्रण होता है तो महिलाओं को नुकसान होगा, हो सकता है कि ये इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएंगे? देखिए ओवैसी साहब किस मुद्दे को लेकर जाते, मैंने कहा ना उत्तर प्रदेश का मतदाता समझदार है, लगातार पिछले 3 बार से आप देख रहे हैं स्पष्ट बहुमत प्रदान करता है, लोगों को उसने देखा, लोग खड़े नहीं थे, तो आपदा काल में हमारे मुख्यमंत्री स्वयं कोरोना होने के बाद जनता के बीच में तुरंत ठीक होते ही गए और बाकी पार्टियां चर्चा चला रही और ओवैसी जी का तो पता नहीं था। ठीक, एक धर्म विशेष के वोटों के सहारे योगी आदित्यनाथ के बारे में आप शब्द कहना, देश के प्रदेश के सब मुख्यमंत्री के बारे में आप शब्द कहना, जी हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिसकी बड़ाई विदेशों तक में हो रही है उसके कोरोना ठीक हीरो वाजपेयी जी, और आगे क्या प्रतिक्रिया मिलती है ये देखना होगा वाजपेयी जी। ठीक, बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए।